आज महामारी के हालात में, महामारी की पोजीशन में कहीं ना कहीं स्कूल की तरफ से मनमानी भी हो रही है। इस साल इंशाल्लाह ताला ऐसी बहुत कम उम्मीद है कि बहुत सारे फॉर्म सिलेक्ट होंगे। उनके यहाँ से जो है रिजेक्ट नहीं हो रहा है और आपके यहाँ से रिजेक्ट हो गया था, आखिर क्या वजह था ऐसा? आप हमेशा हमारे काम को निगेटिव ले लेते हैं सर। आपका स्कूल चालू नहीं है, आपका कॉलेज चालू नहीं है, उसके बाद भी आप कहते हैं कि हमें हमें फीस पूरी चाहिए, बस आती नहीं है बच्चों को लेने के लिए, तो बस की फीस भी आप लगाते हैं उसके अंदर। मनमानी बंद करना पड़ेगा। रॉ टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद हैं हम एनसीपी के कलवा मुमरा विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं शमीम खान, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जा रहा है, पिछले साल भी यहाँ पर जो है स्कॉलरशिप के करीब 4,000 से भी ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे और इस बार भी लगभग जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं और इस बार भी करीब 5 से 6 हज़ार तक के फॉर्म की संख्या पहुंच गई है। लेकिन हम बात करेंगे शमीम खान जी से, पिछले साल जो फॉर्म भरे गए थे लगभग 4,000 के करीब में संख्या थी, तो उनमें से ऐसा जानकारी सामने आया था कि और भी फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गए थे, तो इस बार जो फॉर्म भरे जा रहे हैं इसमें क्या गारंटी है कि रिजेक्ट नहीं होंगे? प्रहार टाइम्स के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा हमारे तमाम मुमरा कोसा कलवा के भाइयों को कि गुज़िश्ता साल जो इस्लामुद्दीन साहब ने एक सवाल किया कि 4,000-5,000 फॉर्म भरे गए थे तो उसका क्या जवाब देंगे आप, तो सर हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि तकरीबन 6,478, यह हम दिखाना चाहेंगे आपके कैमरे के माध्यम से, ये मेरा रिकॉर्ड है, 6,478 फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से सर जो सेलेक्टेड फॉर्म है, जो लोगों को सेलेक्ट किया गया था, वो 1,463 है। 1,463 लोगों को सेलेक्ट किया गया था और इस साल का जो मेरा अभी तक का जो नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म विधानसभा कार्यालय ऑफिस में भरा जा रहा है, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब के आदेश अनुसार नेतृत्व में सेदलेश्वर भाई साहब, आनंद प्राजपे साहब, भाभी रुता अवार्ड साहबा, हमारे भाई शानू पठान साहब, तमाम नगर सेवक कोशिशों से जो फॉर्म भरा जा रहा है और जो हमारे साथी हैं जैसे इशरत शेख हैं जो एनसीपी के माइनॉरिटी के कलवा मुमरा के विधानसभा के अध्यक्ष हैं और हमारे साथी विधानसभा के जो सेक्रेटरी हैं शोएब खान और इस तरीके का मुन्ना चौगले, रफीक शेख, रफी मुल्ला, हमारे तमाम साथियों के सपोर्ट से जो फॉर्म भरा जा रहा है वो अब तक फॉर्म भरा गया है 4,214 फॉर्म भरे गए जो पोर्टल पर रजिस्टर हो चुके हैं इस्लामुद्दीन साहब और 31 तक यानी समझिए आपकी अक्टूबर 31 तारीख तक इसका लास्ट डेट है। जो हम लोगों ने लेटर दे के कलेक्टर साहब को रिक्वेस्ट किया कि इसके फॉर्म की डेट बढ़ाया जाए और अब तक जो सेलेक्ट आप समझ लीजिए कि अभी तक जो सेलेक्ट हुए हैं उसका डिटेल मेरे पास में क्लियर नहीं आया है लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गुज़िश्ता साल 6,478 में 1,463 फॉर्म सेलेक्ट हुए थे तो इस साल मेरे साथी इनका नाम मैंने लिया है, ये लोग बड़ी जिम्मेदारी के साथ फॉर्म भरवा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, पूरी टीम यहाँ मंत्री जितेंद्र अवार्ड साहब की टीम वर्क काम कर रही है इंशाल्लाह ताला इस साल। शमीम भाई, जैसे यहाँ पर और भी लोग हैं जो है भरे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और भी लोग जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे, उनके यहाँ से जो है रिजेक्ट नहीं हो रहा है और आपके यहाँ से रिजेक्ट हो गया था, आखिर क्या वजह था ऐसा, क्यों ऐसा पिछले साल हुआ था? इस्लामुद्दीन भाई ये लोग जानना चाह रहे हैं बहुत। कभी तो हमारे काम की तारीफ भी क्या करें आप हमेशा हमारे काम को निगेटिव ले लेते हैं सर, कभी पॉजिटिव भी तो लिया करें। आपने कहा कि कुछ नहीं, लोग मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग जो कह रहे थे वो मैं पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि कुछ लोग यहाँ से फॉर्म भरे जा रहे हैं उसके वहाँ से रिजेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो सर आप जरा उनसे पहले पूछ लीजिए कि उनका रिकॉर्ड क्या है, उनका रिजल्ट क्या है। मैं तो रिजल्ट सुना दिया आपको, गए साल का, 20 साल का, अच्छी बात है, लोगों को भरना चाहिए, अच्छी बात है, लोगों में जागरूकता आना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों के बारे में आप कहना चाह रहे हैं उनका भी आप रिजल्ट ले लें। जैसे मैंने बता दिया आपको कि इतने भरे गए इस साल, इतने भरे गए गए साल, इतने इस बार सेलेक्ट हुए, बहुत मेहनत करते हैं हमारे साथी इस्लामुद्दीन साहब, आपके माध्यम से उनकी उनकी सराहना कीजिए, आप उन लोगों को ऐसा कीजिए कि उनमें जागरूकता बढ़े, मेहनत के बिचारे ऐसा। लेकिन हमारी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो टीम काम कर रही है जितेंद्र अवार्ड साहब की, बड़ी मेहनत से काम कर रही है, बड़ी लगन से काम कर रही है और इंशाल्लाह ताला इस तरीके से काम करती रहेगी, कहीं ना कहीं
लोगों के डॉक्यूमेंटेशन में बच्चों ने स्टूडेंट्स ने कहीं ना कमी की थी, इसलिए इस साल ऐसे लोगों को बिठाया गया, चार लोगों की बात क्या, चार लोगों को जो बिठाया गया है वो चार लोगों ने इस पे पूरा पीएचडी किया है, वो लोग फॉर्म भर रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो इस आने वाले वक्त में इन बच्चों का जो फॉर्म जिन्होंने भरा है, अल्लाह ने चाहा तो इस बार इन सबके फॉर्म को हम सेलेक्ट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, नहीं, जिस तरह से फॉर्म जमा करते वक्त जो है जो लिए जा रहा है डॉक्यूमेंट, तो ये आप लोग चेक करके बाकायदा लिए होंगे कि मतलब रिजेक्ट ना हो, तो इस साल उम्मीद कम है कि रिजेक्ट नहीं जी, होगा? जी जी जी, इस साल इंशाल्लाह ताला ऐसी बहुत कम उम्मीद है कि बहुत सारे फॉर्म सेलेक्ट होंगे। और हमने तहसीलदार साहब से बात भी किया है कि सर थोड़ा सा आप जरा ध्यान दें, अपने लोगों को बोले कि आप लोग के तरफ से ध्यान हो कि जो है जी आप लोग ध्यान दें। और इनकम सर्टिफिकेट के लिए भी हमने बात किया है और बहुत अच्छे पैमाने पे काम चल रहा है। शुएब भाई ने कहीं पे, क्या नाम उस लड़के का, फिरोज करके एक बच्चा है जिसने एक ऑफिस खोला है मुमरा स्टेशन के पास, वहाँ पे अभी शुएब भाई बताएंगे आपके माध्यम से, वो थोड़ा दो अल्फाज बोलेंगे कि वो कौन सी ऑफिस है, कौन सा दफ्तर है। इनकम सर्टिफिकेट के लिए अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप आड़ी ऑफिस में आए, इशरत भाई से कॉन्टेक्ट करें, शुएब भाई से कॉन्टेक्ट करें, ये लोग वहाँ पहुँचा करके उनका काम कम से कम में और जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे। शमी भाई, जैसे आप लोग तो सारे प्रोसीजर यहाँ से कर रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाए, लेकिन स्कूलों की तरफ से भी रवैया कुछ अलग ही हो जाता है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? इस्लामुद्दीन साहब, मैंने आपको एक खत भेजा है, व्हाट्सअप किया है, आपके माध्यम से आप वो खत ज़रूर दिखाइएगा कैमरे के माध्यम से। और हमने वो खत जो भेजा है वो ये लिखा है स्कूल के प्रिंसिपल्स को, और उनसे हमने विनंती भी किया है, मेरे साथी शुएब खान, इसरत शेख, मुन्ना भाई चोगले और रफ़ी मुल्ला, रफ़ीक शेख, इन लोगों ने मेहनत करके जाके स्कूलों के अंदर भी खत दिया है प्रिंसिपल्स को। उसमें हमने ये लिखा है, रिक्वेस्ट डाला है कि गुज़िश्ता साल जो आपने कुछ टाइम पहले सवाल किया कि आपने इतना फॉर्म भराया, इतने फॉर्म आपके फेल हो गए, तो उसमें क्या होता है कि जब यहाँ पे हम फॉर्म भरते हैं और उसके बाद ये पोर्टल के माध्यम से पहुँचता है स्कूलों के अंदर, तो स्कूलों की तरफ से लापरवाही होने के कारण भी वो काम में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा होती है। तो स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, जो भी लोग हैं, मैनेजमेंट है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, विनंती करना चाहता हूँ कि अगर हम लोग सामाजिक लोग माननीय डॉक्टर जितेंद्र वार साहब के नेतृत्व में हमारे साथी हम लोग करके मेहनत इतना वक्त लगा करके अपना टाइम दे करके वो पेरेंट्स आकर के हमारे पास दो दो घंटा वेटिंग में खड़े होकर के और उनके साथ में उनके वालदेन आ करके स्टूडेंट्स आकर के इतनी मेहनत करते हैं, तो सर आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनको आपके माध्यम से आगे बढ़ाएं। और जब वो बच्चों का फॉर्म सेलेक्ट हो जाएगा तो उन बच्चों के लिए बहुत राहत होगी। इस्लामुद्दीन साहब, मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आज महामारी के हालात में, महामारी की पोजीशन में, कहीं ना कहीं स्कूल की तरफ से मनमानी भी हो रही है, चाहे वो बच्चों की फीस को लेकर के हो, चाहे वो बच्चों के डोनेशन की बात हो। जब आपके स्कूलों के अंदर आप बच्चों को टाइमली पढ़ाते नहीं हैं, आपका स्कूल चालू नहीं है, आपका कॉलेज चालू नहीं है, उसके बाद भी आप कहते हैं कि हमें फीस पूरी चाहिए, आप ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आप पहली बात तो उनकी फीस को आधा कर दीजिए, सेकंड बात जो उसमें अदर चार्जेस हैं उसको निकाल के फेंक दीजिए, तीसरी बात जब बस आती नहीं है बच्चों को लेने के लिए तो बस की फीस भी आप लगाते हैं उसके अंदर। मनमानी बंद करना पड़ेगा। अगर आपने इसको बंद नहीं किया तो मैं आज एक बात का ऐलान करता हूँ आपके माध्यम से, डॉक्टर जितेंद्र वार साहब के नेतृत्व में उन हर स्कूलों में हल्ला बोल करेंगे हम लोग राष्ट्रवादी के लोग जहाँ पे ऐसी गलतियाँ पाई जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर मोहम्मद शोएब, जो स्कॉलरशिप के लिए जो फॉर्म भरा जा रहा है और रिजेक्ट जो फॉर्म हो गए थे, इस बार ऐसा किया जा रहा है कि इस साल जो है फॉर्म रिजेक्ट ना हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो दिए जा रहे थे उनके वजह से, जो उनमें खामियां रह जा रही थी, बताया जा रहा है कि उनके वजह से जो है रिजेक्ट हो जा रहा था। शोएब भाई, जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर लेके आ रहे लोग, क्या उनकी खामियों की वजह से जो है ये रिजेक्ट हो रहा है, और इस बार आप लोग क्या डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपर जाँच करके ले रहे हैं? जी, इस्लामुद्दीन भाई, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ऐसा है कि फॉर्म जितने भी भरे जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सब के सब वो गवर्नमेंट के जो नेशनल स्कॉलरशिप है और सारी जो स्कीमें हैं वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएं। उनका जो क्राइटेरिया होता है उस क्राइटेरिया के बेस पे वो लोग सेलेक्ट करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम इस बार 100% जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर है उसके साथ में उस बंदे का फॉर्म हम लोग कम्प्लीट करके भरें। और उसमें जो एक मेन चीज़ है, इनकम सर्टिफिकेट लगती है। तो बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ भी जब भर रहे हैं ना, इनकम बहुत कम दिखा देते हैं, 30,000 40,000, तो उनका रिजेक्ट हो जाता है।
इनकम जो भी एक लिमिटेड होता है जो होना चाहिए, अगर उतना इनकम रहेगा तो रिजेक्ट नहीं होगा। उसके लिए भी हम लोगों ने कुछ बंदोबस्त मतलब यहाँ पे कई कारणों की वजह से तो उसके उसके लिए सभी मैंने जो यहाँ पे जो तलाटी है उनसे भी बात किया है, और दो एक जो प्राइवेट लोग हैं एजेंसियाँ हैं वो लोग भी ये इस काम पे लगी हुई हैं। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है यहाँ आके वो लोग हमसे कंसल्ट करें, हम उनको मैक्सिमम सपोर्ट करेंगे। अच्छा इशरत भाई, आप क्या बताएंगे जो स्कॉलरशिप यहाँ पर फॉर्म भरा जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स लोगों का, हम लोग यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के मार्गदर्शन में, शमीम खान साहब के मार्गदर्शन में हम लोगों ने फॉर्म भरने का काम शुरू किया हुआ है, और इसको हम लोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। पिछले साल जो हम लोगों ने फॉर्म भरे थे उससे कहीं ज़्यादा हम इस साल हम ज़्यादा से ज़्यादा भरने की कोशिश करेंगे। फॉर्म्स को हम लोग बहुत नीटली चेक कर रहे हैं। ये चेक करना ऐसा हुआ कि रिजेक्शन के कम से कम चांसेस हों इसके अंदर में। देखिए, इसमें एक पेरेंट्स लोगों की काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। हम लोग तो हमारी तरफ से पूरे पेपर्स हम चेक कर रहे हैं, एक एक वेरिफिकेशन कर रहे हैं जिसके अंदर में कोई भी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट ना हो। इसमें इनकम क्लॉज जो है, इनकम क्लॉज का मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि अंदर में देखिए, हम शहरी क्षेत्र में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र जो होता है उसका स्लैब होता है 18,000, 30,000, 35,000, 60,000 तक। ठीक है, हम ग्रामीण शहरों में नहीं है, हम शहरी क्षेत्र में, तो शहरी क्षेत्र के अंदर में 72,000 से लेके लेस देन 1,00,000 होना चाहिए, ये क्राइटेरिया है। ये फॉर्म आगे प्रोसीड होंगे, यहाँ जो लोग फॉर्म भर रहे हैं वो लेस देन 50,000 लिख रहे हैं, उससे वे फॉर्म रिजेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। और ये भी मैं आपके माध्यम से बोल दूंगा कि पोर्टल पे आप जाओगे तो इनकम सर्टिफिकेट इज कंपलसरी फॉर दिस ईयर। ये रीज़न इसी वजह से कि हम फॉर्म में जो अमाउंट भर दे रहे हैं तो ये बोगस हो जा रहा है। तो आपने सुना कि जिस तरह से स्कॉलरशिप के लिए जो यहाँ पर फॉर्म भरे जा रहे थे, पिछले साल भी जो फॉर्म भरे गए थे उसमें बहुत से फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे, लेकिन उसमें कई खामियां बताई जा रही हैं कि जो इनकम सर्टिफिकेट है उसकी वजह से भी रिजेक्ट हुए थे, और इस साल जो है इनके तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है कि फॉर्म रिजेक्ट ना हो, और स्कूलों से भी सपोर्ट करने की बात कही जा रही है।